गोपाल दास नीरज की एक लाइन है कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। तो जाहिर तौर पर ना कोई उनके जहन में बोझ होता है, जो मंत्री कहते हैं उसी अंदाज में वो चलते हैं। तो हम बात करेंगे ये सुर्खी के कद्दावर नेता सरमन सिंह की, जिनकी बहू इस वक्त नगर परिषद की अध्यक्ष बनी है। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है और बहुत निष्पक्ष होकर राजनीति करते हैं, इसलिए हमने एक शेर पढ़ा है नीरज का। धन्यवाद। क्या देखते हैं सुर्खी हुआ? सुर्खी को, हाँ सुर्खी की बढ़िया अच्छी सुर्खी देख रहे हैं, सुर्खी सुर्खियों में रहेगी ऐसा देख रहे हैं भैया। बहुत पिछड़ा हुआ रहा चीज भी, अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। अब इसको अपन पिछड़ा नहीं रहने देंगे, इसको बढ़िया अपन साफ सुथरी सुर्खी, स्वच्छ सुर्खी, स्वस्थ सुर्खी बनाएंगे। क्या सोचा है आपने अपनी सुर्खी के लिए? सुर्खी के लिए सब कुछ सोचा है, जो सुर्खी में कमी होगी उसको पूरा करेंगे, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो, सभी को मिलकर हम पूरा करेंगे। मंत्री यहाँ रहते हैं, आप वहीं रहते हैं उनके साथ में? अब बहुत ऐसा है कि उनका हमारा साथ है तो साथ नहीं छूटता, वो जहाँ जाते हैं वहीं उनके साथ। बहुत विश्वास जताया आपको अध्यक्ष बनाया, ये तो अब उनकी सोच है मंत्री जी की। हम भी उनके साथ ईमानदारी के साथ हैं, तो उन्होंने भी सही सोच के निर्णय लिया होगा, जो लिया होगा। जिम्मेदारी बड़ी है और हम कहेंगे कि सुर्खी जो नगर परिषद है उसमें पेयजल पानी की बहुत समस्या है, पानी की समस्या से कैसे निजात हो? बोले कि अपन प्रयास करेंगे, शासन की योजना चल रही है अपनी, ये घर घर नल कोटी द्वारा देंगे, शासन की योजना भी चलेगी, वहाँ से कुछ कमी रहेगी तो नगर परिषद से अपन पूरा करेंगे, जहाँ से भी पानी मिलेगा वहाँ से ला के देंगे जनता को, पानी देंगे सबको। प्रधानमंत्री आवास को लेकर कहा जाता है छोटे छोटे भ्रष्टाचार होते हैं और वो नेता भी छवि को दामदार बनाए, इसकी क्या इंतजाम करेंगे? मैं तो इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूँ कि भ्रष्टाचार तो आपको कहीं से कहीं ढूंढ नहीं मिलेगा, भ्रष्टाचार का तो खात्मा हो जाएगा, भ्रष्टाचार रहेगा ही नहीं, इसको तो बर्दाश्त करते ही नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार की तो कोई गुंजाइश नहीं है कहीं से कहीं तक। प्रधानमंत्री आवास को लेकर सरकार का लक्ष्य है, यहाँ जो आवास जितने मिले आगे क्या आप उस पर काम करेंगे? अभी जो स्वीकृत हुए हैं आवास उनकी आज शपथ ग्रहण समारोह के बाद तैयारी कर ली है, सिंगल कलेक्ट से 1000 आवासों का पैसा डाला जाएगा और शेष रहे जो उसकी कार्रवाई करेंगे और आगे वो सबको देंगे। 1000 आवास का पैसा डल रहा है आज, डल रहा है 1000 का पैसा आज डालेंगे और जो शेष रहेंगे उनको उसके बाद में डाल देंगे। क्योंकि आप बहुत वक्त से यहाँ की नेतागिरी कर रहे हैं, क्या कमी देखते हैं सुर्खी? बहुत कमी है सुर्खी में, जगह जगह जाओ आपको कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं नाली नहीं है, कहीं रोड नहीं है, किसी के पास रहने को मकान नहीं है, सब व्यवस्था करेंगे। मैंने सरमन जी पूरे बिल्कुल सरमाने का मौका नहीं देंगे, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं से वो तो करेंगे, इसको तो करना ही है। ये भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के कद्दावर नेता थे, इनकी बहू को नगर परिषद का अध्यक्ष बनाया है, लाजमी है कि सुर्खी में बहुत समस्या है, लेकिन दो महिलाएं जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनी है और साथ में उनका साथ दे रहे सरमन सिंह है, साथ में यहाँ के स्थानीय विधायक और मध्य प्रदेश शासन के मंत्री गोविंद सिंह है, लाजमी है, ताकत पूरी पूरी है और हौसले भी पूरे पूरे हैं, पैसा भी पूरा पूरा है, तो देखना है कि सुर्खी की किस्मत कब तक बदलती है, सुर्खी कब तक चमकती। ब्रह्मरथ सागर एक्सप्रेस सुर्खी। हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर एंड मोटर्स, प्रोप्राइडर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।